नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। हम लोग पहुंचे हैं डीएलएफ इंडस्ट्रियल एरिया और यहां खड़े हैं हम 77 नंबर के बाहर। कौन सी कंपनी है ये? नाम पता नहीं, 77 नंबर क्या है? नंबर नाम क्या है इसका? पैसले डिजाइन सॉल्यूशंस है, प्लॉट नंबर 77। और फरीदाबाद बड़ी तादाद में लोग यहां जुटे हैं, बात करेंगे उनसे। क्या हुआ, क्या है? ये दो महीने से पेमेंट नहीं दे रही है। आप भी इसी में काम करते हैं? हाँ, कभी पुलिस बुलाती है, कभी बाउंसर बुलाती है, बस पुलिस आके कहती है कि दो दिन बाद दे देंगे, आज तक दिए नहीं। पेमेंट के नाम से भागती है। काम क्या होता है इसमें? ये कारीगर स्पोर्ट लेन है, ये स्पोर्ट लेन है, ये स्पोर्ट, हाँ स्पोर्ट लेन है, ये टेलर का सिलाई का, सिलाई का होता है, सिलाई का काम होता है। क्या बनते हैं? टी शर्टें बनती हैं? टी शर्टें हैं, टॉप वगैरह है, जैकेट है, ये सारा काम होता है इसमें। अच्छा, तो कितने लोग काम करते हैं इसमें? इसमें तो 300 आदमी से ज्यादा करते हैं इसमें काम। अच्छा, अब पैसा देना नहीं चाह रहे हैं, दो चक्कर लगा रहे। मेरी बेटी मुस्कान ने कम से कम चौथा महीना पैसा देना नहीं चाहा इसने, पैसा नहीं, नहीं दिया है पैसा। कितना पैसा है उसका? 15 दिन का है, ये को पैसा नहीं डाला है उसने। कितना पैसा है? है क्या नाम? 9-10 हजार लेकर आएगा। 9-10? आपका भी पैसा है जी? कितना? हमारा 15,000 से ऊपर रुपया। क्या नाम है आपका? अंसारी जी। मेरा एक महीने की मेरी भी सैलरी बाकी, इतनी लड़ाई कर। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी देवी। एक महीने का पैसा दिया, एक महीने का नहीं दिया। लक्ष्मी देवी की भी लक्ष्मी रोक ली इन्होंने। क्या बोला ना, दो महीने का मैं पैसा दूंगी, धनतेरस वाले दिन दूंगी, उस दिन में ड्रामा करी तब जाके पैसा दिया। 3 दिन ने लक्ष्मी पूजा वाले दिन दिया। 24 घंटे हम उनको इस कंपनी में रुकना पड़ा। दिवाली पे भी पैसा नहीं मिला? नहीं, दिवाली पे पैसा नहीं मिला। और मेरा सर 3 महीने का पीएफ और एसआई का पैसा नहीं जमा, जिसके वजह से मेरे घर में 2 क्रिटिकल कंडीशन है, प्राइवेट इलाज मुझे कराने में मजबूर है, जिसमें 50 से 60 हजार रुपए लग चुके हैं अभी और आगे लगने को। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र वर्मा। आज का डेट ये लोग पैसे के लिए दिए थे और हम लोग कल काम करवा के गेट बंद करके, मैडम बोल रही है अभी पैसा ही नहीं देना है, और बाउंसर बुला के बुला रही बोल रही है। लेडीज पुलिस सब बुला के लिए आए थे, लेडीज पुलिस भी बुला रखी है। हाँ, बाउंसर के बुला के रखे, बाउंसर बुला के रखी है, और वो और पैसे देने का कोई नाम नहीं है। हमेशा पल पल में झूठ बोल रही है, आज देंगे कल देंगे, कभी 10 तारीख का डेट, कभी 12 तारीख जो है, हम लोग को दबाया डराया जा रहा है। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख दे रही है, ये पैसे नहीं देगी, चुतिया बना रहे हैं। इसीलिए ना पुलिस वालों को भी पैसे खिलाए, बाउंसर को पैसे दिए, सबको पैसे दिए, लेबर को पैसा नहीं दे रहे, पैसा नहीं देगी। हमारे एमपी साहब हैं किशन पाल जी, वो जो है ना बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये वर्कर को पहले भी लड़कों ने बंद किया, उनको अंदर रात भर भूखे प्यासे यहाँ रहे, और उसके बाद भी पैसा नहीं। अब अंदर कोई काम नहीं हो रहा है इसमें? आज बंद है काम, ताला मार दिया। आज मैडम ने घुसने नहीं दिया, क्यों? पहले उसको निकलने नहीं दिया था, 9 बजे टिकट बंद, पैसे के चक्कर में। क्या नाम आपका? रियाजुद्दीन। जब से काम कर रहे हैं तब से बताइए, क्या काम कर रहे हैं? शांत रहिएगा, बाकी लोग 6 महीना हो गया काम करे हुए। करे हुए हो गया, करते हुए करते हो गया, अभी भी कर रहे हैं। हाँ। अभी भी 2 महीना का पैसा फंसा हुआ नहीं दिया है, रोज डेट पर डेट बढ़ा रहे, कभी 10 तारीख, कभी 20 तारीख, कभी। कितनी तनख्वाह मिलती है आपको? 12,000 मिलता है, 12,600 पर वो भी नहीं दे रहे हैं, वो भी नहीं दे रहे हैं, ओवरटाइम भी। देखिए बड़ी बात तो ये है ना कि देखिए जी, मैं इंकलाबी मजदूर केंद्र से हूँ, नितेश नाम हुआ। देखिए जी, हम जब सुबह आए, मजदूरों ने कॉल किया, तो हुआ ये कि कंपनी ने गेट बंद कर दिया, ठीक है। थाने में गए, थाने में जाके जो है कोई अधिकारी नहीं पहुंचा कंपनी का, ठीक है, कोई नीचे से जो है किसी को भेज दिया, बस उन्होंने कहा कि कल अजय बसला के यहाँ भी गए, वो थे ही नहीं। फिर किसी ने कहा कि जो है और प्रतिनिधियों के पास चलो, तो हार के मजदूर फिर कंपनी गेट पे ही आए, यहीं से और जगह पे गए थे। देखिए हम ये कह रहे हैं कि कंपनी अपना सामान भी ले गई है अंदर से, ले जा रही है, बंद कर रही है कंपनी, ले गई है, बंद कर रही है कंपनी। देखिए बात ये है कि देखिए जी, कंपनी ने जो है कहा कि 22 तारीख को देंगे हम थाने में जाके, लेकिन हम भी बात कह रहे हैं कि जैसे बाकी लोग मजदूरी कर रहे हैं, रोज आ रहे हैं कंपनी में, तो आज भी तो वैसे ही अंदर कर सकते थे ना कंपनी में। गैर कानूनी तरीके से आप जो है गेट बंदी कर रहे हैं, ना कोई पूर्व सूचना है, ठीक है। अगर वो कल भी जो है कोई नोटिस लगा देते यहाँ पे कि जो है कंपनी बंद हो रही है, कल से नहीं आना है, तो मजदूर जो है अपना जो है कहीं और देखते या जो है नहीं आते। सुबह से आए हुए हैं मजदूर, कंपनी मैनेजमेंट बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। बात कौन किसको कर रहे हैं? कौन है मालिक? कौन है को भेज रहे हैं? मालिक कौन है? कोई लेडीज है, मैं नाम नाम है मैं तो नहीं जानता हूँ। देखिए जी, कोई वो कोई जानता कौन है मालिक? कोई जानता मालिक कौन है? नाम तो नहीं पता है, लेडीज है, नाम तो नहीं पता है। अरे आधी आबादी महिला है भैया हिंदुस्तान की, नाम नहीं बताते, नाम नहीं बताते, लेकिन मैडम है इसमें।
अच्छा मैडम मालकिन है पर नाम नहीं बताती, नाम नहीं बताती है, आते ही गेट बंद कर दिया है। सिगरेट पीती रहती है और बोलती है, सिगरेट पीती रहती है और बोलती है तुम सबको हैंडल कैसे करूंगी, सिगरेट नहीं पीऊंगी तो तुम सबको हैंडल कैसे करूंगी। सिगरेट पीने वाली मैडम ने रोक रखी है आपकी, दारू सिगरेट उनके लिए सब कुछ है, जनता के लिए। आंवला गुप्ता है, आंवला गुप्ता जी सिगरेट भी, बियर दारू भी पीती है, शराब भी पीती है। चलो वो उनका निजी मामला है। हाँ तो लेकिन वो हमारे पैसे दे सकती है ना सर, खाने पीने में इतना खर्चा कर सकती है ना सर, वो अपना सारा शौक पूरा करेगी, हमारा पैसा नहीं देगी। ऊपर से पुलिस वाले अभी यहाँ कह रहे थे मैडम के पास तो पैसे ही नहीं है, मैडम कहाँ से पैसा देगी, उसका ससुर खत्म हो जाएगा तो मैडम पैसा नहीं देगी। आवना, आवना गुप्ता, आवना गुप्ता, हाँ मैडम का नाम है आवना गुप्ता मालकिन का। आवना गुप्ता जी कहाँ की, कहाँ रहती है? ये सेक्टर 7 सेक्टर 15 में रहती हैं। सेक्टर 15 है, अच्छा सेक्टर 15 से, ओके। आवना गुप्ता हर बार 10 10 15 15 20 पुलिस वाले और ये बाउंसर ये बैठे हैं, इन सब के ये फ्री में आ रहे हैं, ये लोग फ्री में आ रहे हैं, ये लोग बोलते हैं हाथ पांव तोड़ देंगे, यही लोग बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं कि हम हाथ पांव तोड़ देंगे, ये लोग बोलते हैं कि हाथ पांव तोड़ देंगे, कैमरा खोल रहे हैं यहां से, यहाँ से अंदर डाल के बैठे हैं बाउंसर, बैठे हैं। एचआर वाला भाग गया, नौकरी छोड़ के वाला भी भाग गया, हम लोग का पंचिंग नहीं है, पंचिंग बंद, एचआर वाले को भी नहीं दी जी, नहीं पंचिंग बंद कर दिया, हम लोग का नाम पता नहीं लिखता है कि नहीं लिखता है, गार्ड पता नहीं, हम लोग का पंचिंग करते हैं, बच्चे लेकर रोड पर क्या खाए क्या पिए बताए सर, आप ही देने के नाम नहीं लेती है पैसा, ये और कहते हैं क्या ये सब की कोचरे का तरह उठा के फेंक दो रोड पर, 5:30 बजे तक नौकरी करवाई है, आ जाए हम लोग नहीं देता है, पिया पैसा ही भी काटते वो भी जमा नहीं करते हैं ये लोग, अच्छा एक एक 3 महीने का मेरा पैसा जमा ही नहीं किया, 1000 रुपया हर महीना में खुला नहीं रहता है तो जमा करवा लेती है कि बाद में ले लेना, वो भी नहीं देता है। हमारा एक निवेदन है बस, हम लोग गरीब हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है जो हम इनके पास में सब टाइम इनकी तरह हम रोज चक्कर लगाएंगे, हम बाल बच्चेदार मजदूर लोग हैं, 12,000 की नौकरी के लिए 12 बार इनके पास चक्कर लगाएंगे, भूखे प्यासे रहेंगे, इनके लिए काम करेंगे लेकिन ये पैसा देने के लिए राजी नहीं है, हर वक्त आज 12 तारीख को ले लेना, 15 तारीख को ले लेना, 20 तारीख को लेना, इनका कभी टाइम नहीं पूरा हो रहा है। बाउंसर बैठे हैं देख लें फरीदाबाद, आप ये देख लें अंदर बाउंसर बैठे हैं, सारा बाउंसर को बुला लेती है, अब पूरे महिला बाउंसर भी हैं इन पे, महिला बाउंसर भी है, बुलाया है हम लोगों को मारने के लिए, हमें मारने के लिए बुलाया गया है यहाँ पे, महिला बाउंसर भी बैठी हैं भीतर, अरे बाबा रे अभी बैठी थे आप लोग को देख कर अंदर घुस गई है सब, बताओ हम लोग क्या करें क्या खाए कहाँ जाए सर, हम लोग पुलिस वाले भी थे थाना में भी गए, थाने वाले भी रिपोर्ट नहीं लिखे, थाने वाले भी रिपोर्ट नहीं लिखे, थाना वाले भी नहीं रख रहे हैं रिपोर्ट, नहीं एक कंपनी जाके थाने में गए तो पुलिस वाला कह रहे कि यहाँ क्या है कुछ नहीं होगा जाओ, यहाँ खड़े होके गेट पर तो कह रहे यहाँ क्या खड़ी है, 2 दिन बाद आना अपने पैसा ले जाना, यहाँ भी खड़े नहीं होने देता है, कितना ये है उसका पेट भर गया है ना, नोट दे दिया ना गड्डी, हम लोग का देने में आग लग जाता है ना, ये देखिए हाँ ये देखो ये सारे पुलिस वाले और ये है मैडम, ये हम लोगों को ये क्या सपोर्ट करना है, ये मैडम को सपोर्ट करना है, ये कब की वीडियो है, ये 29 दिवाली वाले दिन हम यहाँ भूखे प्यासे पड़े थे, दिवाली 29 तारीख की धनतेरस वाले दिन का ये है, पैसा नहीं दे रही है मैडम, 48 घंटा रहे हम लोग 48 घंटा दिन रात फिर पूरे दिन, वीडियो भी भेज दो आप हमारे पास हम चलवाते हैं, रातों दिन उपास से पड़े, धनतेरस के हम लोग इसी में बंद करके कैद रखे हैं, नहीं दिए कुछ खाने के नहीं पीने के, कंपनी में मन गया है दिवाली हम लोग मनाए कहाँ, कंपनी में दिवाली हुआ है, अभी पैसा नहीं दे रही है, भूखे प्यास से दिवाली मनाया गया है, कौन गुप्ता पे चला रहे हो, यूट्यूब पे फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे, पहले फेसबुक पे हटा दिए उसने, अड़ियाई कर दिए, हटा दिया बाउंसर लगा रखे थे ना, देख के भाग गए, तो चला दिया, हाँ हमें तो कुछ नहीं, हमें पैसा चाहिए हमारा, वो बैठी ना बाउंसर मैडम, वो बैठी मैडम बाउंसर मैडम बैठी है, वो बैठी मैडम को लगा मिला मिला के सब फोन बता रहे खबर दे रहे हैं सर, खबर कर रहे हैं, बताओ हम कहाँ जाएं, ये क्यों नहीं दे रही पैसा, हमारा पैसा दे दो, अपने कंपनी चलाओ, सीधी बात है,
बंद करनी है तो बंद करो, पर हमारा पैसा तो दो। पैसा तो दो, नहीं देती है, नहीं देती है सर। चलानी है नहीं चलानी मत चलाओ, पर अपना हमारा पैसा, हमारा पैसा दे दो बस, हमें नहीं करेंगे तुम्हारे पास पैसा है। हाँ जी। कितना दिन का है? एक महीना 20 दिन। एक महीना 20 दिन का पैसा है जी। दे वो अपने कुछ भी करे, कंपनी हमें कोई मतलब नहीं है, वो आग लगा दे चाहे कुछ भी करे सर, हमारा पैसा कैसे, भूखे प्यासे मेरे बच्चे रोड पर आ गए, मकान वाले की देख लें आप कितनी बड़ी तादाद में मजदूर खड़े हैं यहाँ फरीदाबाद, आप देख लें। छह महीना से पीएफ भी जमा नहीं किया, 6 महीना से हम 6 महीना ड्यूटी करके गए और हर बार सैलरी में से इसने पैसा काटा है। सैलरी में से पैसा काटा है हर बार। पीएफ कट रहा 6 महीना से, एक पैसा नहीं दो। पीएफ कट रहा है 6 महीने से फरीदाबाद, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में यहाँ फिलहाल मजदूर पहुँचे हैं, आपको दिखाएंगे जी। और आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में, ये देख सकते हैं आप। और दिवाली भी कैसे मनी इन 300 मजदूरों की, फरीदाबाद से कंपनियां पलायन कर रही हैं। दीपावली दशहरा सब बर्बाद कर दी इसने, कोई पेमेंट नहीं दी। 29 तारीख को 30 तारीख को पेमेंट दी, 2 महीना का कहने के बाद 1 महीना का दी, और भी 8:30 बजे रात को दी 30 तारीख को। 48 घंटा यहाँ रुकने के बाद, और अब नए तारीख पे तारीख बस यही लगा रखी है। 10 तारीख टाइम दिया था, बोली काम जिसको करना करे ना करे तो 10 तारीख को उसके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, फिर नहीं आया पैसा। अभी 20 हो गया और 20 का भी आज 22 हो गया। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।